हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे माइक्रोबॉट के बारे में जो कि कलेक्शन ऑफ डिस्क से बना है और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलता है और डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण ये अपने बिहेवियर में भी चेंज ला सकता है। हाउ इज दैट पॉसिबल एट ऑल कि एक सिंथेटिक मैटर जो है वो ऐसे काम कर पाए? तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल दोस्त, और ये पॉसिबल है एक्टिव मैटर के कारण। अब आपके दिमाग में अगली चीज़ आएगी, व्हाट इज एक्टिव मैटर? सर, हमने डार्क मैटर के बारे में सुना, एक्टिव मैटर क्या है? एक्टिव मैटर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज और एंटिटीज है जो कि आपस में मिलके ऐसे काम करते हैं कि वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इनटू यूजफुल वर्क। मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप समझिए कि आपका जो एक फ्लॉक्स ऑफ बर्ड होता है, स्कूल्स ऑफ फिश होता है, आपने कभी देखा है कि जो स्कूल्स ऑफ फिश के अंदर फिश मूव करती हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही होती है लेकिन वो आपस में टकराती नहीं है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ता हुआ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड जो है उसमें कोई भी बर्ड एक दूसरे से बिना कोलाइड हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब देर आर सम प्रिंसिपल जो कि इसको रूल करते हैं, इसको गवर्न करते हैं, और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव मैटर। और ये एक्टिव मैटर केवल फ्लॉक्स ऑफ बर्ड और स्कूल्स ऑफ फिश तक लिमिटेड नहीं है, हमारे सेल्स और टिश्यूज तक भी ये काम करता है। और क्लिनिकल से लेकर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम तक सब जगह आज बात चल रही है एक्टिव मैटर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्निंग रूल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की, और 1995 से ये काम चल रहा है। अभी रिसेंट ये हुआ कि 1995 में जो इक्वेशंस इसको समझने के लिए लिखी गई उन इक्वेशंस के अंदर हाइड्रोडायनामिक के जो इंटरप्शंस थे उनको कंसिडर नहीं किया गया, उन इंट्रैक्शंस को कंसिडर नहीं किया गया। रिसेंटली हमारे IISc ने इसके ऊपर काम किया और उसके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने काम किया और उन लोगों ने इस एक्टिव मैटर के ऊपर जो हाइड्रोडायनामिक इंट्रैक्शंस थे उनको भी कंसिडर करते हुए इसके फ्लो को, इसके मूवमेंट को पहचानने वाली, बताने वाली इक्वेशंस देखने की कोशिश करी। तो न्यू ईयर फ्यूचर हमारे लिए ऐसे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना इंजीनियरिंग वाइज पॉसिबल होगा, सिंथेटिक मैटर कंसिडर करना, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल होगा जिनको कि हम इस तरीके से बिहेवियर चेंज में अडॉप्ट कर सके कि इनके अंदर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए तो वो अपने बिहेवियर में चेंज ला सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।